जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कड़िया सांतंग चरणारविंद जुगलरे, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मणिमा, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जनंको विष्णु प्राय मणे, नमई तहंक चरणे, तुंडे वलई हरि हरि। भो जगन्नाथ दैतारी, भो जगन्नाथ दैतारी। आपण मानंक चरणारविंदरे आज पवित्र कार्तिक मासर पंचक व्रतर अयमारंभ दिवस। आज पवित्र एकादशी तिथि, जो एकादशी रा नाम बड़ एकादशी अटे, हरि उत्थापन एकादशी। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे भगवान हरि शयन करिथिले। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे भगवान पार्श्व परिवर्तन करिथिले। एवं आज कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि, जो एकादशी रा नाम हरि उत्थापन एकादशी। एवं आज ठारु ही पंचक व्रतर अयमारंभ, यहाँ को बग पंचक बोली कहा जाए था। यही पवित्र पंचक व्रत को भीष्म पंचक बोली मध्य कहा जाए था। आज ठारु श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आज ठार आज ठिया किया वेशरे महाप्रभु श्रृंगार हन। जो वेशर अन्य नाम लक्ष्मीनारायण वेश, लक्ष्मीनारायण वेशरे महाप्रभु श्री श्री भुज श्री पयर कुंडल किरीट चंद्र सूर्य विविध प्रकार सुवर्ण अलंकार मान भंडार घर आसी महाप्रभु उक्त अलंकार द्वारा महाप्रभु सुसज्जित होई थांति। तेणु आज महाप्रभुंकर लक्ष्मीनारायण वेशरे महाप्रभु अगणित भक्त मानंकु दर्शन देवे। प्रत्येक व्रतार्थी मध्य आज ठारु लक्ष्मीनारायणंकर उपासना मध्य वृंदावती चौरामूल रे अयमारंभ करिथांति। तेणु आज रे पवित्र कार्तिक व्रत पंचकर प्रथम दिन रे आपण मानंकु कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं आज ठारु ही शुद्ध काल रे अयमारंभ। तेणु महाप्रभु जेहेतु हरि उत्थापन एकादशी हेले, आज ठारु समस्त शुभकर्म मान समस्त गृह प्रतिष्ठादि व्रतादि समस्त शुभकर्म मान आज ठारु अयमारंभ होइथाय। तेणु आज रे पवित्र दिवस रे समग्र समस्त विश्ववासी चरणारविंद रे अकिंचनर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। षटविंश अध्याय, आज 26 दिन हेगला कार्तिक मास। सुत उवाच हे मुनि गण सुनाए वे पार्वती सापे तिनि देहेवे स्वदेहे होई लेस्तावर विरमची आदि हरिहर। मुनिमाने कहुचंती सुत को कहुचंती सुतंग ठारु श्रवण करुचंती कले हे मुनि ऋषिगण माने मांकर उमांकर अभिशाप रे ए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्माले पलाश वृक्ष विष्णुले पिपल वृक्ष भगवान शंकर हेले बट वृक्ष ए तीन वृक्ष रूप रे त्रिदेव स्थावर रूप जीव रूप रे ए संसार प्रकट हेले। एक था जानी देवलोके मने विषाद गुरु शोके ब्रह्म ऋषि को आग करी यदि अछन्ति शिव नारी ठाकु गले सुर मुनि जहा पत्नी संगे घेनी परिण गौरिंक पाए ती करंती देवताए। समस्त तबले जानिले ब्रह्मा ऋषिंकर समस्त स्त्री माने एवं भगवान महालक्ष्मी समस्त देवता माने समस्त जाई मांक चरणारविंद जाई पश्चंदी कला। अरे एडबड़ कथा हेगला, आमर जे पालन करता जे आमर जे लालन पालन करता संगार करता सृष्टि करता ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से यदि स्थावर वृक्ष रूप रे ए संसार रे प्रकट हेले मांकर अभिशाप रु। तेणु तांकर ए दुख रे समस्त जाई मांक निकट रे देवता ऋषि ब्राह्मण समस्त जाई पहुंची चले। तू आदि शक्ति महामाये तो मनु जगत उदाये जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण सात्विक
राज सतामस उत्पत्ति पाल न विनाश जेतिनी जग ते अधिप तू तांको कलु वृक्ष रूप समस्त जाई पांक पाग जोग मायांक निकटरे प्रणाम करुछंती हे माँ हे जगत जननी हे कल्याणमयी हे करुणामयी दयामयी माँ तू कौन कलु माँ ए संसार जे होचंती त्रिकाल स्वरूप जे की सत्व रज तमर अधिकारी अटम सृष्टि स्थिति विनाशर जे अधिकारी अटम जे तीन जगतर मालिक अटम जहां को आधार करी ए संसार चली था तुम्हें तांकु स्थावर रूपरे ए विश्व ब्रह्मांड रे स्थापन कलो वृक्ष रूपरे से विराजमान कले तेणु ए कथा को आ कौन अच्छी आउ संसार एणु जगत जन दुखी जगत कर्ता न देखी देवी दया कर एवे जेतिनी देव रूप पूर्वे कले आज समस्ते दुखी देवता माने ऋषि मुनि माने गंधर्व माने समस्त दुखी जहांकु राति पाइले जहांकु लोक माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को तीन देवता छाड़िकी तो कही नहांती तेणु कई विष्णु दर्शन पाऊना किए शिव दर्शन पाऊना किए लक्ष्मी भगवान ब्रह्मांकर दर्शन पाई पारुना ये समस्त दुखरे निर्माण होइछन् समस्त देवता ऋषि गंधर्व गण माने समस्ते अत्यंत दुखरे मर्मात होइछन् तेणु तुम्हें यदि किसी उपाय न करिब तेबे तीन देवता कौन वृक्ष रूप से प्रकट रही थे संसार रे देवी दया कर एवे जेतिनी देव रूप पूर्वे से रूप हेउ परापत भइले नर हे जगत बोले देख माँ तुम्हें जदि कार किसी उपाय न करिब तेबे तीन देवता जदि एमती वृक्ष रूप रहिबे संसार रहिबो तो ए संसार तीन जन जाउछन्ति मुख्य ये सत्व रज तम त्रिकाल ये तीन काल ये तीन देवता ये तीन गुण ये समस्त आरी उपर आंकरी उपरे इमा निर्भर करंती समस्तंकर आधार ये यदि संसार आ रहिबो लोक का पाकु जिवे लोक कहार चरणारविंद रे समर्पित हवे तनु भगवान भगवती समस्त देवता मानंकर निवेदन समस्त ब्राह्मण ऋषि मुनिंकर निवेदन देवता ऋषि देवता मानंकर कथा को श्रवण करी हेमंते देव तांक वचने सुनी संतोष देवी मने आंकर बन प्रसन्न लगला आरे आरे कौन करिबा गोटे काल वशत भूल वशत एमिति गोटे अशिष्टाचार कार्य एमिति हेला जे जा फलरे बाध्य हई मु क्रोधानित हई लज्जारे ए प्रकार अभिशाप देई देथिली हेमंत प्रकार देवता मानंक ठारु वाक्य श्रवण करी माँ का मन संतोष लाभ कला संतुष्टि प्रकाश कले जहाँ करिचंती ता ठीक नुह बोली मध्य माँ विचार करुछंती बोलंती सुण सुर लोके पूर्वे जे गाय त्रिंक सापे नदी होइले सर्व देवे सही विचार कल एवे कले हे देवता मान पूर्व काल रे गायत्रींकर सापरे ये समस्त देवता माने नदी होइकरी बाहर थिले विविध नदी रूपरे ये संसार प्रकट हेइथिले एवं एबे गोठारे अहंता बोहिले तेणु से वृक्ष रूप हेले नदी स्थावर रूप धरी सकल जने हित करी कले कौन करुछंती ना एठे विराजमान करिछंती नदी एवं स्थावर देवता माने नदी ब्रह्म समस्त देवता माने नदी रूपरे एवं त्रिदेवता वृक्ष रूपरे स्थावर रूपरे विराजमान करी सकल जनंकर हितकार कल्याण करुछन् समस्त लोकर कल्याण बरसुछन् तेणु ये कल्याणकारी वृक्ष ये कल्याणकारी नदी तेणु ये पुण्य फले निज देह निजे जाहा भावे रहो केवल ब्रह्मा विष्णु हर निजे रूप रे स्थावर ताकू संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि हेमंत देवी वाक्य मानी सेठारू गले सुर मुनि
कहले देख ए जो देवता माने एठी रहिछंती ए समस्तंकर कल्याण करुछंती तेणु तुम्हें माने विविध भाव रे के को प्रकार भाव रे के कौन जते प्रकार देव वृक्ष रहिछंती ए समस्ते विविध प्रकार देवता माने के वरुण वृक्ष के वृंदावृति वृक्ष के अश्वस्थ त विविध प्रकार वृक्ष रूप रे ए देवता माने रही संसार कल्याण करुछ एवं नाम देवी माने समस्त विविध प्रकार नदी रूप रे से प्रकट ही कल विविध संसार से कल्याण साधन करुछंती जल बिहुने सृष्टि नाश जल जदि नाही संसार रहिबो नाही जल जदि अधिक हला संसार मध्य नष्ट प्रलय मध्य ही जा तेणु तेणु ये नदी रूप रे एमाने बहुचंती जगतर कल्याण करुछंती ए पुण्य फले निज देह निजे जहा भावे रह केवल ब्रह्मा विष्णु हर निजे रूप रे स्थावर कहले तमे देख ए देवता माने जे जो आश्च तमे माने जे जो रूप धारण करे कि नदी होच हो के वृक्ष होच हो सो रूप धारण करी तमे सब गति कर तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि हेमंत देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे तबरे रूपे हितकारी तहुं जे जाहा रूप धरी मांकर जतबले कथा श्रवण कले कले कौन करिबी आउ अभिशाप तो देई देईची तिनी देवता तिनी वृक्ष रूप रे से प्रकट हेले एवं संसार रे विराजमान करले संसार समस्त कल्याण करिवे तेणु हे देवता माने कौन आउ करिबी तेणु तमे माने जे जो रूप धारण करिबा कथा के केउ रूप रे केउ वृक्ष रूप रे तमे प्रकट होच हो तमे विविध रूप रे प्रकट ही तमे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पिपल वृक्ष बट वृक्ष पलाश वृक्ष ए तीन देवता को आवरी करी तमे स्थावरे स्थावरम रूप रे स्थावर वृक्ष रु जीव रूप रे तमे विराजमान कर संसार कल्याण कर तेणु स्थावरे रूपे हितकारी तहुं जे जाहा रूप धरी तेणु ये संसार हित कल्याण उद्देश्य रे एमान आविर्भाव होती तेणु जे जो रूप धारण करी तुम्हें माने प्रभु ये त्रिदेवतांकर सहित लीला करंतु जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ पुनर्बार आपण को आज पवित्र महाकार्तिक व्रतर पवित्र एकादशी बड़ एकादशी पवित्र उस दिवस रे आपण मान चरणारविंद रे प्रणाम ए पंचुक पांच दिन ए पंचुक व्रतरे भगवान को स्मरण करिबा द्वारा जन्म संसार बंधरु मनुष्य मुक्ति लाभ करे गौरी वाक्य अनुरूपे लीले स्वधर्मा मंडपे ब्रह्मा सहिते देवे हरि सर्वे भसिले सभा करी माँ भगवतींकर मुखारविंदरु एमंत प्रकार वाक्य श्रवण करी देवता माने गोटे स्वधर्म सभा डके ब्रह्मा डके जेतबले देवता मानंग भितरे संकट आसी जाए कौनसी प्रकार गोटे विपद आसी जाए सेतबले देवता ब्रह्मा स्वधर्म सभा डकई थान देवसभा मंडपरे समस्त देवता माने सेठारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि त्रिदेवता माने विराजमान करी थांती एवं समस्त देवगण माने अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी जते देवता अछंती 33 कोटि देवता ए समस्तंकु उक्त सभा को आमंत्रण करा जाई था उक्त सभा रे देव सभा रे समस्त माने विराजमान करंती एवं यहा को स्वधर्म सभा भी कहा जाई था गौरी वाक्य अनुरूपे लीले स्वधर्मा मंडपे ब्रह्मा सहिते देव हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे देव वर बोलंती सुण सर्वे सुर पार्वती सापे सर्वे देवे वृक्ष होइवे जे जा भावे समस्त देवता माने आसी बसचंद ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि त्रिदेवता मध्य बसचंद समस्तिंग ब्रह्मा कहुचंती संबोधन करी हे देवगण माने मां वर्तमान जो कहीं के सभा डकाई ना बड़ संकट परिस्थिति आसी पहुंची माँ भगवती कल्याणमयी गौरी त्वेव शशिमौली कृतम प्रतिष्ठा माँ भगवतींकर
अभिशाप बलरे साप बलरे ब्रह्मा पलाश वृक्ष रूपरे प्रकट हेबे। भगवान गोविंद पिपल बुट रूपरे प्रकट हेबे। भगवान शंकर बटवृक्ष रूपरे प्रकट हेबे। एवं जेते देवता माने आपण माने एठी विराजमान करिचंती हे देवता गण माने समस्ते आपण वृक्ष स्थावर वृक्ष रूपरे स्थावर जीव रूपरे आपण प्रकट हेबे। एमंत प्रकार मांकर सापरे एमंत प्रकार साप प्रदान करिछि। पार्वती सापे सर्व देवे वृक्ष होइवे जेझा भावे वन पर्वत ग्राम पूरे रहिब जन उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देह सर्वे हेतु चेतुम्भ मानं कुआराधि गभिवे सर्व काम सिद्धि रवचन प्रतिपाली अकार्जे पत्र हीन तोड़ी। कले देखंतु ए देवता मनुष्य माने जिते जहाँ पर्व पर्वाणी उत्सव पुराण आम को दिग्दर्शन जहाँ दिहाई आम मैने मन रखा दरकार यह जंगल गाई गोरु मेढा छेली पशु मानी दिया है। ए समस्त लीला ईश्वर सदा सर्वदा आम मान मनुष्य मान ही सृष्टि कर मनुष्य मान कल्याण पाई ए समस्त सृष्टि तेणु मनुष्य माने हे ब्रह्मा कहते तेणु हे देवगण माने तुम माने तुम्हें केउठी के वृक्ष मूल के पहाड़ तटरे के नदी तटरे के देव के केउठारे निज भावना द्वारा जहार जेमंत भावना सेमंत भावना रे से स्थावर रु जीव रूपरे प्रकट है। एवं मनुष्य माने तुम मानंक निकट को आसी तुम मानंक चरणारविंद रे समर्पित होइ के जप करू के तप करू के यज्ञ करू जे हविष्य करू के व्रत करू यही वृक्ष तुम यही वृक्ष निकट रे बसी से माने सिद्धि लाभ करिवे। ए त्रिदेवता ए सिद्ध प्रदान करिवे यही मनुष्य मानन को कलि काल रे चेतुम्भ मानं कुआराधि दभिवे सर्व काम सिद्धि मनुष्य माने तुम मानन को वृक्ष मानन को आराधना करी पूजा उपासना करी समस्त सिद्ध प्राप्त हेबे। प्रवचन प्रतिपाली अकार्जे पत्र हीन तोली सुकार्जे पत्र पुष्प फल बकल आदि काष्ट मूल अवश्य नेवे प्राणी माने निषेध करी एते दिने आदशी संकरांति निशी। कले देख तुम मानकर किए पत्र नब किए फूल नब किए डाल नब किए कौन नहींक्री तुम मानक श्रीअंगरु ताहा नहीं तार से कार्य करिवो के गछर डालटिए नेले डाल अग्नि संजोग कले अन्न पाक करिवो के पतर टिए नबो के फूल टिए नबो के फल टिए नबो तो विविध प्रकार भाव रे या करिवो तेनु ता धरे आपण माने कुपित हेबेनि देवता मा अवश्य नेवे प्राणी माने निषेध करी एते दिने। कले मनुष्य माने नेवे किंतु किछि दिन तांकु निषेध कराय कौ कौ दिन वृक्ष पत्र डाल आम गछ को छुईमानी गछ वृक्ष पात्र को किमिति रखिबा द्वादशी संकरांति निशी जीवन दिन क्षय शशी देवता आड़े किबा पथे जे वृक्ष रोपी थिव हस्ते द्वादशी संक्रांति अमावास्या एवं यही समस्त दिन रे बा देवतांकर जीवा रास्ता रे थिबा वृक्ष बा देवतांकर उद्देश्य रे स्थापन होइथिबा वृक्ष ए वृक्ष मानंकु ए दिवस मानंकरे आमे कष्ट दबानी बा तांकर वृक्ष तांकर फल तोलिबानी पत्र तोलिबानी तांकु तांक काठो को छेदन करिबा नाही। तेनु द्वादशी संक्रांति अमावास्या पूर्णिमा यही सब दिन मानंकरे वृक्ष मानंकु स्पर्श करिबा वृक्ष मानंकर थारु पत्र फूल इत्यादि तोड़ा यह अपराध कष्ट वृक्ष मान देह जीवन रही आम को जमी गोटे हाथ मारिदे आम को कष्ट
ସେମିତି ଆମ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଲୁମ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ଏଇ ସମସ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରୁ ପତ୍ର, ଡାଳ, ଫୁଲ, ଫଳ ଆମେ ତୋଳିବା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେମନ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପୁଷ୍ପବନ ଏହା ନ କରିବ ଛେଦନ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା ମିଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ କାଟିବନି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବନି, ତାର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଯେ ଅବା ଛେଦିବ ଅଜ୍ଞାନେ ତାର ନିବାସ ନର୍କ ସ୍ଥାନେ। ନରକୁ ନିସ୍ତରିବ ଯେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେ ଜାତ ହେବେ ତେବେ। ଆବର ଶୁଣ ସୁର ଗଣେ ବୁଝେ ପଲ୍ଲାସ ରୂପ ବନେ। କହିବି ରହିବି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ବହି ମତେ ପୂଜନ୍ତା ନାହିଁ କେହି। କେବଳ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ବରି ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ ଆଦି କରି। ପଲ୍ଲବ ଯେଉଁ ପଲାଶ ପତ୍ର, ତାହା ବୃକ୍ଷ ଯଜ୍ଞାଦି ଜାଗ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ପଲାଶ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ବିବିଧ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପଲାଶ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ରତ ବିହିତ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡେ ହୋମ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡେ। ମୋ ପୁଷ୍ପ ଶିବେ ଶିରେ ଦେବ ଏଣେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଭିକ୍ଷା ବ୍ରତ ସମୟରେ ଜଗନ୍ତି, ତାହା ପଲାଶ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସମିଧ ପଲାଶ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ମୋର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲାଶ ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟେ ପୁଣି ମୋ ଦେହେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଣି। ତାର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେତେ ବିନାଶ ହୋଇବ ତ୍ୱରିତେ। ଏବେ କହିବା ଧର୍ମ ରୀତି ହେ ହରିହର ବେନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ବଟ ସ୍ୱସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ପାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଆସନ ହରିହର ବିଜେ କରାଇ ଯେଉଁ ନର। ବୃକ୍ଷ ମୃଦନ୍ତ ପରିଜନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବ ନିତ୍ୟେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଟ ଏବଂ ବର ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ଥ, ଏହାକୁ ଯଦି ରଗେଇ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଉପାସନା କରିବା ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବାହା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ପୂଜା କରିବେ ନିତ୍ୟେ ନିତ୍ୟେ ଜାଗ ସମ୍ଭାର ବିଧି ମତେ। ତାର ସକଳ ପାପ ନାଶ ଅନ୍ତେ ଅଲେଖ ପୁରେ ବାସ। ଯେ ଜନ ମୋ ବଚନ ମେଣ୍ଟି ବଟ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କାଟି। ସେ ସର୍ବଦେହେ ଦେବେ ଦ୍ରୋହ କରେ ତାକୁ ନିବାସ ନର୍କ ଘୋରେ। କହି ମହାଦେବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ ଉପଦେଶ। କହି ମହାଦେବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ ଉପଦେଶ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମେ ବଟ ପିପ୍ପଳ ମହିମା କଥନେ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶାଧ୍ୟାୟ ଭଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ଭଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ଭଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ।